बनाएंगे मोमोज मोमोज चिकन मोमोज। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ये मेरा फेडल लिप भी बहुत अच्छा है। सो चिकन मोमोज की रेसिपी लेके आई हूँ मैं, और ये किसी और के डिमांड पे नहीं, मेरे पति के डिमांड पे है। उसने मेरे को बहुत टाइम कहा चिकन मोमोज बना दो, चिकन मोमोज बना दो। मैंने बोला पहले कमेंट तो करो फिर बनाऊंगी। तो उसने कमेंट नहीं किया, पति होने का फायदा उठा रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ चिकन मोमोज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। सो आपको पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इनफैक्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले बनाएंगे हम मोमोज की स्पेशल चटनी। उसके लिए लिया है मैंने वाइट वाला तिल, उसको रोस्ट कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है। और भूनने के बाद जब इस कलर में आ जाए तो कुछ नहीं, इसको निकाल लेना है ठंडे होने के लिए। सेम पैन में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, उसमें डाला है लहसुन, हरी मिर्च और एक लाल मिर्च, और फिर टमाटर ऐड कर लेने हैं। टमाटर कुछ नहीं, बड़े बड़े पीसेस में ऐसे हाफ हाफ कट कर लेने हैं और इसको भून लेना है। और उसमें ऐड करेंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी बस, और फिर चला लेना है। जब इस स्टेज में आ जाए तो कुछ नहीं करना है, गैस को बंद कर लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और आगे के प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले लेंगे हम मैदा। मैदा का 1/4 आटा लिया है, फिर आटा को सान लेना है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। मोमोज का जो आटा होगा वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए। और ये आटा गूंद के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, आटा को गूंद कर रेस्ट करने के लिए देंगे कम से कम तो आधा घंटा, 30 मिनट्स तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। ये मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ चॉपर में, क्योंकि मोमोज के लिए हमें प्याज चाहिए एकदम पतला पतला, सो चॉपर में बहुत ईजिली चॉप हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैंने लिया चिकन ब्रेस्ट के पीसेस, आप चाहो तो चिकन ब्रेस्ट की जगह पे चिकन कीमा ले सकते हो। फिर हम मैंने इसको ग्राइंडर में चला लिया है। ग्राइंडर में चलाना चिकन के पीसेस को थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप बहुत छोटे पीस कर लेते हो अगर चिकन ब्रेस्ट के तो वो हो जाता है, बट एक बार में नहीं होता है, 2-3 बार में ये पिस जाता है। ये मैंने चिकन तो पीस पास के चिकन का कीमा बना लिया, इसको निकाल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ब्लैक पेपर, काली मिर्च और प्याज जो अभी हमने जस्ट चॉप किया था, और हरी मिर्च, एक चम्मच वेनेगर डाला है और एक चम्मच सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, और फिर नींबू का जूस भी, एक पूरा नींबू का जूस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। फिर आप चाहो तो चम्मच की हेल्प से मिला सकते हो, या फिर हाथ बेस्ट होता है मिलाने के लिए, क्योंकि हाथ से बहुत अच्छे से मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मोमोज का मसाला बनके रेडी हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये मैं दोबारा एक बार गूंद लेती हूँ और छोटे छोटे इस तरह से बॉल्स कर लेने हैं, फिर इसको इस तरह से बेल लेना है, पूरी के साइज का बेल लेना है। अगर रिक्वायरमेंट हो तो आटा लगा के बेल लेना है ताकि वो चिपके नहीं। और इसको बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे ये वाला, इससे पिड़किया बनाते हैं और गुजिया भी कहते हैं, जैसे हम गुजिया या पिड़किया बनाते हैं उसका इस्तेमाल किया है। बहुत इजी बन जाएगा,
और बहुत मज़ेदार भी बनेगा। थोड़ा सा आटा लगा लेना है ताकि ये चिपके नहीं, और खूब भर लेना है, खूब सारा इनफैक्ट भरना है चिकन, क्योंकि हम घर पे मोमोज बना रहे हैं तो कंजूसी क्यों करना है, खूब सारा भरना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं भरना है कि वो फट जाए, उसके अकॉर्डिंग ही भरना है। और ये मैंने खूब सारा भर लिया है और चारों तरफ पानी लगा कर पैक कर लेना है, जैसे हम पिड़किया में बनाते हैं। जब हम मोमोज बनाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट आता है वो यही आता है कि पैक कैसे करें, बट अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो बहुत ईजिली पैक हो जाएगा और बहुत मज़ेदार भी बनेगा। और इस तरह से निकाल लेना है जो एक्स्ट्रा आटा है। और ये देखिए बनके रेडी हो गया, टाइम भी कम लगता है और अच्छे से पैक भी हो जाता है। मैं आपको सेम दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे दो तरीके से मोमोज बनाया है, विदाउट स्टीमर। स्टीमर नहीं है तो आप अपने घर पे कढ़ाई में बना सकते हैं बहुत ईजली। सबसे पहला स्टाइल मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले पैन लिया है, पैन में तेल लिया है। तेल का जो मैंने इस्तेमाल किया है वो है ऑलिव ऑयल। कुछ नहीं, सिंपली सबको प्लेस कर लेने हैं सारे मोमोज को। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना ज़्यादा मोमोज अट सकता है उतना अटा डालूँ एक बार में ही। और ये देखिए एक साइड से पक गया है। जब एक साइड से पक जाए, इस कलर में आ जाए, तो हम उसमें ऐड कर देंगे पानी। गैस को लो टू मीडियम रखना है और इस तरह से ढक देना है कम से कम तो 7 से 8 मिनट के लिए। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो गया है, मतलब पकना शुरू हो गया है। 7 से 8 मिनट के बाद ये देखिए बन के मोमोज रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा सिंपल भी। और ये पहला स्टाइल है। सो चिकन मोमोज बन गया है तो हम चटनी भी बना लेते हैं। ये मैंने ग्राइंडर में वाइट वाला जो तिल है उसको पीस लिया है सबसे पहले, और जो टमाटर का मसाला हमने रेडी किया था उसको ऐड कर लेना है थोड़ा सा पानी के साथ। और ये चटनी भी बनके रेडी हो गया। बहुत अमेजिंग चटनी है। अगर ये चटनी आपने ट्राई किया तो आप मेरे को थैंक यू बोलने ज़रूर आओगे कमेंट में, क्योंकि चटनी जो है बहुत मज़ेदार है। और ये मैं सर्व करने जा रही हूँ अपने फर्स्ट मोमोज के साथ। जैसे पहले मैंने तेल लगाया था वैसे ही मैंने तेल लगा लिया है सारे कढ़ाई में, और उसके बाद पहले तो मोमोज को प्लेस कर लेना है सेम। और फिर हमें वेट करना है, ऑफ कोर्स एक साइड पकने का। और इधर हम लेंगे मैदा। मैदा में ऐड करेंगे खूब सारा पानी और अच्छे से मिला लेंगे। और जब एक साइड से पक जाए, ये देखिए पक गया, तो वो वाला पानी हम इसमें ऐड करके और ढक देंगे ढक्कन कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। और ये दूसरा मोमोज भी रेडी है, और ये मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी अभी। मतलब किसी चीज़ को इतना प्यार से बनाया है तो सर्व करना तो बनता है ना। और इसको मैं सर्व करूंगी सेम चटनी के साथ जो अभी अभी हमने बनाया है। और अगर आपने मेरा एनिवर्सरी वाला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि ये सेम चटनी मैंने रेस्टोरेंट में जाके खाया था, और मैंने उसी टाइम बोला था ये चटनी बहुत मज़ेदार है, मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। सो आपको ये चटनी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, मेरे साथ ज़रूर शेयर भी करनी चाहिए कि आपका कैसा बना है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ
पूरा फुल है ना चिकन, और बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा। मोमोज मोमोज चिकन मोमोज तो बन गया, और आशु ने ऐसे ऐसे करके पूरा खा भी लिया है मजे में। और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हंस सके शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ना मैं बोल सकती हूँ आपको बताना, ना मैं आपको भुलवा सकती हूँ, आपको भूलना नहीं है, आपको करना ही करना है। सर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बिकली बाय बाय।